रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आई एम लारी बामर, इंग्लिश टीचर ऑफ IAUI स्कूल डिंगा कैंपस। हाँ जी स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज आपका उसका टेस्ट है। इसी तरह जैसे आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है कि आपके पास MCQs आएंगे और आपने अंदर से उसको बेस्ट वन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और साथ में आप अपने पास नोटबुक रखें, अपने MCQs वहाँ पे ABC जो सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है उसको राइट डाउन करते जाएं, और फिर एट द एंड आपने अपना टेस्ट खुद चेक करना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, देखें जी, ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट का। आपका पहला MCQ है, सॉरी पहला जो आपके पास आ रहा है वो है I नॉट वर्क टूडे। अब आपको पता है कि परफेक्ट टेंस है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा साथ में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी, आई है तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और साथ में कौन सी हेल्पिंग सॉरी कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सोचें ज़रा। अब आई है, आई के साथ क्या आता है, और साथ में नॉट तो आ ही रहा है, और हैव के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, पता है ना आप लोगों को? होप आप लोगों ने साथ में राइट डाउन कर लिया है। तो द आंसर इज़ ए, आई हैव नॉट वर्कड टुडे। द नेक्स्ट वन इज़ वी बाय अ न्यू लैम्प एंड यू हैव फोर ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, एंड द आंसर इज सी, वी हैव बॉट अ न्यू लैम्प। यस, द नेक्स्ट वन इज़ वी नॉट प्लान आवर हॉलीडेज येट, यू हैव फोर ऑप्शंस, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, एंड द आंसर इज हैव नॉट प्लान, द आंसर इज B1। The next one is where, be or you. Quick, think about it. You have four options as well. And the answer is B, have you been. Okay, the next is he write first letters. He के साथ क्या आता है, कौन सा MCQ आता है, सॉरी कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सी साथ में फॉर्म वर्ब आती है, एंड द आंसर इज डी, ही हैज रिटन 5 लेटर्स। The next one is she not see him for a long time. You have four options and you have to select the correct one. And the answer is A, she has not seen him for a long time. The next one is B or you at school. You have four options. Select the correct one and the answer is yes, D1. Have you been at school? The next one is school not started yet. Quick. And the correct answer is B, school has not started yet. The next one is speak he to his boss. You have to select the correct one and the answer is going to be appear on your screens. Be attentive. C, has he spoken to his boss? Very good. No, he have not the time yet. Quick students, you have to select the correct one. And the answer is, ये आप लोगों ने खुद करना है। देखिए, इसका आंसर नहीं मैंने आपको डिस्प्ले किया, आपको पता होना चाहिए ना, ही है, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी। अब आप लोगों ने अपने नोटबुक पे जो इनके आंसर्स लिखे हैं, अब आपने देखना है कि वो ठीक है, कितने ठीक हैं, और उसके बाद आपने, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, वो जो वीडियोस आपको पहले वाली जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया गया है उसको रीप्ले करें, उनको दोबारा से देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो उसके नए रूल्स होंगे, नया सारा कुछ होगा। अब इसका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, होप कोई कन्फ्यूजन भी बाकी नहीं रही। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टेंस। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।